आज इधर ज़्यादा लोग नहीं आया गाइस, शायद शाम तक होते होते यहाँ पर पूरा लोग इकट्ठा हो जाएगा। और इस दुबई का जो यानी कि इन फ्रंट ऑफ बुर्ज खलीफा, ये बुर्ज खलीफा है, देख रहा है इस बुर्ज खलीफा के सामने आप लोग देख रहे हैं कि जो वाटर पार्किंग है यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर डांसिंग देखने के लिए कम से कम हज़ारों तादाद में लोग यहाँ पर बहुत ही मज़ा करेगा। सो अब ये पहले में शूट किया एक रील्स, लोग इकट्ठा होने के बाद फिर भी शूट करेगा। बहुत तेज धूप हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जगह इतना अच्छा है कि बोलकर बता नहीं सकता यार, कसम से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब है। इस जगह का जो व्यूज़ है बहुत ही अच्छा खासा व्यूज़ है, आप तो देख सकते हैं। इसका ऊंचाई इतना ज़्यादा है कि पूरा कैमरा में नज़दीक से पूरा नहीं आएगा कैमरा में। तो दुबई में गाइज ऐसे ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए ज़रूर आओ, और एक बार जो बुर्ज खलीफा का सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ साइड है, ये सामने जो है ये वाटर डांसिंग का जो पूल है, ये जगह भी आओ, घूम के जाओ यार, अच्छा खासा मज़ा मिलेगा। लाइफ में क्या करना है, बस थोड़ा सब बुक पूरा करो, घूमो इधर उधर। सबसे ऊंची इमारत और अभी मैं जाएगा जहाँ पर वो जगह है एक यानी कि इन फ्रंट ऑफ बुर्ज खलीफा। सो हियर इज वन विंग्स एंड ईगल विंग्स। सो मैं अभी जाएगा वहाँ पर थोड़ा फोटो वगैरह खींचेगा, अच्छा लगेगा देखने में, व्यूज बहुत अच्छा है। और बोले तो अभी इधर का भी एक नया सा व्यूज क्रिएट किया इन लोगों ने, शायद ये रात को देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। सच में गाइस आज रात को तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों बाद इन फ्रंट ऑफ बुर्ज खलीफा आया। पहले मैं गया था बुर्ज खलीफा के ऊपर, कम से कम 110 फ्लोर गया था, और वहाँ से मैं देख रहा था नीचे का लुक्स कैसा है देखने में। तो काफ़ी दिन बाद आके देख रहा हूँ अभी जो बुर्ज खलीफा का जो सामने का साइड है, इस सामने कुछ चेंजिंग किया है लोगों ने, यानी कि लाइट वगैरह बहुत अच्छा से सेटअप किया है, शायद रात को देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। तो आज हम आप लोगों को दिखाएगा ये डे का लुक से, रात को भी दिखाएगा कैसा लग रहा है। ये जो बिल्डिंग है देखने में बिल्कुल क्रूज जैसा लग रहा है, यानी कि जो समंदर में रहता है बोट, वैसे ही बिल्कुल उसी तरह ही लग रहा है। ये है बहुत ही अभी मैं जाएगा दुबई विंग्स, एक बार फोटो खींच के आप लोगों को दिखाएगा कि यहाँ पर कैसे फोटो खींचा जाता है। लोगों ने तो बहुत अच्छा चेंजेस करना शुरू कर दिया, शायद 2024 को लगता है कुछ स्पेशल होने वाला इधर।